हेलो एवरीवन, रोटर डिजाइन के पार्ट 5 में हमने एंडरिंग करंट देख लिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो मैं उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में मैं ये जो एसी मशीन डिजाइन की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं आपको वो भी आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसे भी रेफर कर लीजिएगा। ओके, आज है हमारा रोटर डिजाइन का पार्ट 6, जिसमें हम लोग डिजाइन ऑफ वाउंड रोटर पढ़ने वाले हैं। तो डिजाइन ऑफ वाउंड रोटर है क्या हमारे, देखिए आपको पता ही है कि वाउंड रोटर की डिजाइन किस तरीके से होती है। तो उसमें आपके कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी फिजिकली। अगर आप किसी वाउंड रोटर का आप निकालते हैं मशीन में से, तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे टाइटल मार देता हूं, डिजाइन ऑफ वाउंड रोटर। तो आज इस लेक्चर में हम लोग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स पढ़ेंगे, किस तरीके से नंबर ऑफ रोटर स्लॉट डिसाइड किए जाते हैं, नंबर ऑफ रोटर टर्न्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, और रोटर करंट और कंडक्टर सेक्शन किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। तो ये चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, जिसका नाम है जेडी स्टडीज। तो डिजाइन ऑफ वाउंड रोटर, आपको जब आप किसी भी वाउंड या फिर स्लिपरिंग रोटर को आप मशीन से निकालेंगे, तो आपको कुछ फिजिकली कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिख रही है, तो ये जो टाइप की इंडक्शन रोटर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार कनेक्टेड थ्री फेस वाइंडिंग कंसिस्ट करती है। ठीक है, इसकी जो वाउंड रोटर होती है ये हमारी स्टार कनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्री फेस वाइंडिंग होती है। इसके रोटर के एक एंड पे तीन स्लिप रिंग्स होती है। ये देखिए आपको तीन स्लिप रिंग्स दिख रही होगी यहाँ पे दूसरी फिगर में देखिए आपको तीन स्लिप रिंग्स बता रखी है। ओके, तो ये तीन स्लिप रिंग्स उसके शाफ्ट पे माउंट की जाती है, और वाइंडिंग्स के जो हमारे वाउंड रोटर होती है उसके जो वाइंडिंग्स के एंड होते हैं ये स्लिप रिंग्स पे कनेक्टेड होते हैं। हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि हमें अगर स्टार्टिंग टॉर्क को, मशीन के स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना होता है, तब हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये स्लिप रिंग के स्टार्टिंग में कनेक्ट होते हैं, जो हमारी वाइंडिंग जो हमने कर रखी है उस वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है हमारा इंक्रीज हो सकता है उससे। तो वाउंड रोटर टाइप की जो मोटर है हमारी, जो भी इंडक्शन मोटर है, ये हमारी कहाँ यूज होती है, जहां पे हमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वहां पे हमारी वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर या फिर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर आप इसे कह सकते हैं, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का यूज आप कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स। तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। तो जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट हमारे स्टेटर स्लॉट के इक्वल नहीं होते। क्यों, मैंने आपको कॉगिंग और क्रॉलिंग, ठीक है, कॉगिंग इफेक्ट और क्रॉलिंग इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट आपको मैंने पढ़ा दी थी। ओके, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी बटन भी आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट को हम लोग क्या करते हैं, कॉगिंग इफेक्ट को निग्लेक्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग कभी भी सेम नहीं रखते। जनरली हमारी वाउंड टाइप की जो रोटर होती है वो हमारी उसकी जो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट की वैल्यू है उसको हम लोग अज्यूम करते हैं पर पोल पर फेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स है, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट है कैन बी अज्यूम्ड, कैसे हम लोग अज्यूम करते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेस की वैल्यू से। ओके,
और इसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ रोटर स्लॉट को कैलकुलेट करते हैं। सो सिलेक्टेड नंबर ऑफ रोटर स्लॉट शुड बी सच दैट इसकी जो टूथ विड्थ है, ये जो टूथ विड्थ है इसमें हमारी फ्लक्स डेंसिटी की लिमिटेशन, मतलब जितनी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अलाउ है उतनी ही वैल्यू के अंदर अंदर ये हमारे रोटर स्लॉट की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेस से। और ये स्लॉट पर पोल पर फेस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, टूथ की विड्थ के हिसाब से जो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की लिमिटेशन को सेटिस्फाई कर सके, इसीलिए हम लोग सेमी क्लोज स्लॉट्स का यूज करते हैं रोटर स्लॉट्स के लिए। रोटर स्लॉट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेमी क्लोज, सेमी क्लोज्ड स्लॉट्स आर यूज्ड फॉर रोटर स्लॉट। ओके, और किस तरीके से की जाती है, नंबर ऑफ रोटर स्लॉट शुड बी चूज दैट इट मस्ट बी सेटिस्फाई द फ्लक्स डेंसिटी लिमिटेशन फॉर ईच टूथ विड्थ। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ रोटर स्लॉट को डिसाइड किया जाता है। ओके, नाउ नंबर ऑफ रोटर टर्न्स की बात करें, अगर हम लोग नंबर ऑफ रोटर टर्न्स की बात करें तो जो स्लिप रिंग के बीच के वोल्टेजेस है, द वोल्टेजेस बिटवीन द स्लिप रिंग्स ऑन ओपन सर्किटेड मस्ट बी लिमिटेड इनटू सेफ वैल्यू। के जनरली ये जो स्लिप रिंग के बीच में वोल्टेज होते हैं ये हमारी लो और मीडियम वोल्टेज की जो मशीन होती है उसके लिए लिमिटेड होते हैं, कितना होता है 400 वोल्ट। और जो हायर वोल्टेज की रेटिंग वाली मशीन है, यानी कि लार्ज साइज की जो मशीन है, तो ये जो बीच की जनरल में स्लिप रिंग्स के बीच का जो वोल्टेज है वो हमारा 1000 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ रोटर टर्न्स। रोटर टर्न्स, तो स्लिप रिंग्स वोल्टेज बिटवीन स्लिप रिंग्स ओके, दो स्लिप रिंग्स के बीच का ऑन ओपन सर्किट मस्ट बी लिमिटेड टू सेफ्टी वैल्यू। ओके, इन जनरल the voltage between the slip ring for low and medium voltage machines is must be limited टू कितने वोल्ट, 400 वोल्ट, और हाई वोल्टेज मशीन के लिए कितना लिमिट होता है स्लिपिंग के बीच में, 1000 वोल्ट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम लोग स्लिपरिंग्स के बीच की वोल्टेज जो अज्यूम करते हैं उसको हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, इंड्यूस वोल्टेज के रेशियो से, इन द स्टेटर और रोटर। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ रोटर टर्न्स को कैलकुलेट करते हैं, कैसे, देखिए
आपने वोल्टेज रेशियो लिया किस चीज का, आपने वोल्टेज रेशियो लिया इंड्यूस ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज या फिर इंड्यूस वोल्टेज इन स्टेटर एंड रोटर। ओके रेशियो लिखना रहेगा, रेशियो रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ, तो हम लोग रेशियो लेते हैं किस किस का, रोटर और स्टेटर का, ई आर अपॉन ई एस का। तो ई आर और ई एस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर और नंबर ऑफ टर्न्स यानी टी आर डिवाइडेड बाय वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहां से हम लोग रोटर टर्न्स पर फेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा रोटर टर्न्स पर फेस क्या है, टी आर है, वो कितना होगा, वो होगा हमारा ई आर डिवाइड बाय ई एस इंटू वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर, वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर इंटू टी एस। इस तरीके से हम लोग रोटर टर्न्स पर फेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए ई आर आपका क्या है, ई आर है आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट रोटर वोल्टेज पर फेस, रोटर वोल्टेज पर फेस। ओके ई एस क्या है आपका, ई एस है आपका स्टेटर वोल्टेज पर फेस एक फेस में। देन के डब्ल्यू एस वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर, के डब्ल्यू एस वाइंडिंग फैक्टर ऑफ स्टेटर, के डब्ल्यू आर क्या है आपका, मैं स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं। ओके के डब्ल्यू आर क्या है आपका, वाइंडिंग फैक्टर ऑफ रोटर, और टी एस क्या है आपका, नंबर ऑफ स्टेटर टर्न्स पर फेज। ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोटर टर्न्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से हम लोग अज्यूम करते हैं, वोल्टेज बिटवीन दोनों स्लिप रिंग बीच की वोल्टेज हम लोग लेते हैं, मीडियम अगर मीडियम और हाई वोल्टेज होता है, सॉरी मीडियम और लोअर वोल्टेज की अगर मशीन होती है तो दो स्लिप रिंग के बीच का जो वोल्टेज है वो आप 400 वोल्ट रख सकते हैं, और अगर हायर वोल्टेज रेटिंग की मशीन है आपकी तो आप लोग ये लिमिट जो है वो 1000 वोल्ट रख सकते हैं। और ये जो स्लिप रिंग के वोल्टेज है इसको कंपेयर करते हैं हम किस चीज से, इंड्यूस वोल्टेज के रेशियो से। वो रेशियो इंड्यूस वोल्टेज का रेशियो क्या है, किस किस के बीच का होता है, स्टेटर और रोटर के बीच का। ठीक है तो रेशियो हमारा कितना है, ई आर अपॉन ई एस, वो है हमारा के डब्ल्यू आर इंटू टी आर डिवाइड बाई के डब्ल्यू एस इंटू टी एस। तो यहां से हम लोग टी आर को अगर सूत्र का कर्ता बनाते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ओके तो ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोटर टर्न्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके नाउ इसके बाद का टॉपिक है हमारा, इसके बाद का पॉइंट है हमारा रोटर करंट और कंडक्टर सेक्शन। तो तीसरा पॉइंट, ओके तीसरा ही पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा रोटर कंडक्टर, रोटर करंट, करंट एंड कंडक्टर सेक्शन। यानी रोटर के अंदर आपका करंट कितना फ्लो करेगा और कंडक्टर सेक्शन क्या होगा ये आपको डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रोटर का एमएमएफ होता है उसको अज्यूम करते हैं 85% ऑफ स्टेटर एमएमएफ, मींस स्टेटर एमएमएफ में जितना भी आपका एमएमएफ जनरेट हो रहा है उसका 85% हम लोग लेते हैं रोटर के एमएमएफ को, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने पैफोर्ट अज्यूम किया, अज्यूम रोटर एमएमएफ इज इक्वल टू 85% यानी 0.85,
85% ऑफ मल्टीप्लाई बाय स्टेटर एमएमएफ। ओके, सो देखिए नंबर ऑफ रोटर एमएमएफ इज इक्वल टू स्टेटर एमएमएफ का 85%, ये हमने अज्यूम किया। नाउ रोटर एमएमएफ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अगर हम लोग को इन टर्म्स ऑफ करंट और टर्म्स में रखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आईआर इनटू टीआर इज इक्वल टू आईएस इनटू टीएस इनटू 0.85। ओके, ये हो गया हमारा रोटर एमएमएफ और स्टेटर एमएमएफ। अभी कुछ चीज मिसिंग है, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ फेज हमारा इधर मिसिंग है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ पोल 2 है और नंबर ऑफ फेज 3 फेज मशीन है, तो 2 into 3 और यहाँ पे भी हमारा 2 into 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो यहां से अगर हम लोग ये इक्वेशन से अगर हम लोग को रोटर करंट पर फेज ढूंढना है तो यहाँ पे हमारा रोटर करंट पर फेज क्या होगा, आईआर क्या होगा हमारा 0.85 मल्टीप्लाई बाय आईएस इनटू टीएस डिवाइडेड बाय टीआर, ये होगा हमारा रोटर करंट पर फेज। ओके, यहां से हम लोग ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटर करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंडक्टर सेक्शन की बात आती है, तो कंडक्टर सेक्शन में हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया का एक ही इक्वेशन है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हमारा रोटर कंडक्टर एरिया, रोटर कंडक्टर एरिया यानी एआर, उसको हम लोग एआर से डिनोट करेंगे, करंट डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ये हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया यहां से। ओके, तो यहां पे अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करें, डेल्टा आर की बात करें, तो यहां पे करंट डेंसिटी डेल्टा आर की वैल्यू हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 325 एम्पियर पर एमएम स्क्वायर। अब आप पूछोगे सर यहाँ ये वैल्यू कहां से आई, तो ये जो हमारी डिजाइन हैंडबुक डेटा थी वहां से हमने वाउंड रोटर के लिए जो डेल्टा आर पहले से ही प्री डिसाइडेड है वो लिया। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे पूरा करते हैं। तो पार्ट फाइव में हमने क्या सीखा, आज पार्ट फाइव में हमने वाउंड रोटर की डिजाइन देखी जिसमें हमने तीन पॉइंट देखे, पहले तो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट देखा, देन नंबर ऑफ रोटर टर्न्स देखा, देन हमने क्या किया, देन हमने रोटर करंट और कंडक्टर सेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है ये हमने फाइंड आउट किया। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।